जो सीमा हैदर का मामला है, अगर ये शुरू में डिपोर्ट होना था तो ये 24 आवर्स होना था जी सर, लेकिन इसमें एमएचए की ये आई कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, और जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब इसकी चार्जशीट आएगी जी सर, इसका ट्रायल चलेगा, और जब तक जब इसको सजा क्या वो 1 साल की मिले 2 साल की मिले वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है जी सर, तो इसको सजा होने के बाद जब ये सजा कंप्लीट कर लेगी तो जो जिस स्टेट में ये सजा भुगतेगी उसका जेल डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, जो उस राज्य की होम मिनिस्ट्री है उसके थ्रू उसका केस जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली को, राइट सर, और वो उनसे ये केस पुटअप होगा कि ये इलीगल आई थी, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ट्रायल चला, इसको इतने दिन की जेल हुई और अब ये सजा पूरी कर चुकी है जी सर, तो लिहाजा इसको इसको इसके जो डिपोर्ट करने के जो कार्रवाई है वो स्टार्ट इनिशिएट की जाए और इसको डिपोर्ट किया जाए जी। तो उस लेटर पे मिनिस्ट्री ऑफ होम कार्रवाई करती है और ये रिपोर्ट मांगती है आईबी से और लोकल पुलिस से कि क्या इसके खिलाफ इस केस के अलावा दूसरा केस तो पेंडिंग नहीं है जी सर, अगर कोई दूसरा केस पेंडिंग है तो जब तक वो केस चलेगा वो रिपोर्ट नहीं हो सकता वो आदमी, राइट सर, और अगर वहां से ये क्लियरेंस आ जाती है कि इसके अलावा कोई दूसरा केस भारत के किसी हिस्से में भी पेंडिंग नहीं है जी सर, तो फिर 6 महीने से और 1 साल तक का वक्त के अंदर अंदर उसको डिपोर्ट किया जाएगा, उसको जो है शेल्टर होम में रख दिया जाएगा, अगर शेल्टर होम में वो नहीं रहेगा तो जेल के अंदर उसको खुले रूप से रखा जाएगा, कैदी वो कैदी नहीं होगा बट रहेगा जेल के अंदर, लेकिन वो ओपन और खुला रहेगा जब तक वो वापस नहीं हो जाएगा, और दिल्ली में इन पाकिस्तान के लोगों के लिए एक स्पेशल शेल्टर होम बनाया हुआ है, वहां पर वही कैदी रखे जाते हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी होती है जी सर, और वो वेटिंग फॉर डेपुटेशन होते हैं यस सर, तो जब उनके ऑर्डर्स आ जाते हैं वो जिस कंट्री का होता है तो दोनों कंट्री कम्युनिकेशन करती है, तो फिर उसको वाघा बॉर्डर के थ्रू हमारी जो बीएसएफ है उसको एग्जिट करके जिस देश जिस कंट्री का है उसको एग्जिट की मोहर लगा करके डेपुटेशन के कागज एक लेटर बनता है वो उसको वापस कर देता है, ये एक तरीका है। अच्छा सर, सीमा हैदर वाले मामले में जब तक ट्रायल नहीं चलेगा, जब तक इसको नहीं होगी, जब बड़ी रिपोर्ट नहीं होगी, जब तक ये रिपोर्ट नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं, एग्जैक्टली सर, पहला क्वेश्चन ये आता है कि नाउ वी आर मतलब आई वांट टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री, मैं अभी न मैं हिंदुस्तानी हूं न मैं पाकिस्तानी हूं, तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो एक मतलब कानून कहता है, जैसा कि मैंने पढ़ा, क्योंकि आई एम नॉट ए पर्सन ऑफ लॉ, आई एम फ्रॉम लॉजिस्टिक पर्सन, तो हर हर इस पृथ्वी पर हर इंसान, डोंट वरी डियर यंगर ब्रदर, यू कैन आस्क एवरी क्वेश्चन as you thinking in your mind, there is no question that you belong to the law student or not, it is not the question, you can put the yes sir all questions yes sir, to mera ye question hai sir ki koi bhi insaan prithvi ke kisi kone par ho वो एक कंट्री को अपने कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर एक मतलब शेल्टर के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, तो क्या ये कानून ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, पहला क्वेश्चन मेरा ये था सर। हाँ देखिए, इसमें ना आपकी बात में दम है, ये बात आपकी बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा है आपका, आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग अमेरिका में जाते हैं डोंकी से, यस सर, मैक्सिको के रास्ते से दूसरी कंट्री के रास्ते से जंगल से होते हुए जाते हैं जी सर, बकायदा जब वो पकड़े जाते हैं तो उनपे लीगल कार्रवाई चलती है, उनकी बेल होती है और फिर वो वहां पर जब तक तो केस चलता है वो अलाउ होते हैं जी सर, उसके बाद वो एसाइलम डालते हैं जी, हमें वहां खतरा है या ये है वो है, वो एक उनका एक तरीका है
जी सर। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि अगर हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति आएगा असाइलम के लिए जी सर, तो इलीगल आके असाइलम नहीं मांग सकता, ये लॉ है हमारे भारत का। कोई बांग्लादेश का हो या फिर श्रीलंका का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो जी, वो सर। पहले लीगल वीजा लेके लीगल एंट्री करेगा भारत में, उसके बाद वो असाइलम डाल सकता है क्योंकि मुझे ये खतरा है। जैसे कि तस्लीमा नसरीन का आपने केस सुना होगा, राइट सर, राइट सर, यस सर। हाँ, तो उसका यही केस था। और इसी प्रकार एक पाकिस्तान का पिछले दिनों एक केस था, वो भी वीजा लेके आए थे, मुंबई में रहते थे वो, आजकल उनकी डेथ हो गई है जी सर। तो जो ये मैटर है, जो सीमा हैदर वाला मैटर है, ये इलीगल ट्रेसपासर्स है जी सर। जिस वक्त ये पकड़ी गई थी, अगर सरकार चाहती तो उसी वक्त इसको डिपोर्ट कर सकती थी, राइट सर, यस सर, ट्वेंटी फोर आवर और 48 आवर सरकार को ये डिसीजन लेना होता है। जब आप किसी को पकड़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर ये आईबी को सूचना जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचना जाती है, लोकल पुलिस को सूचना जाती है। और लोकल पुलिस जब ये देखती है कि ये फॉरनर है और बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के भारत में आया है जी सर, तो वो कोई एफआईआर जब तक दर्ज नहीं करती, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्लीन, उसको हरी झंडी ना दे दे जी सर। जो मिनिस्ट्री एमएचए हमारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जी सर, उनसे परमिशन मांगती है जी, ये इलीगल एक व्यक्ति आया है, हमने डिटेन किया है, तो ये अगर पाकिस्तान का है तो इसका क्या करना है, क्या इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है फॉरन एक्ट में, या सर इसमें एमएचए का क्या ऑर्डर है, इसको डिपोर्ट करने का ऑर्डर है जी सर। तो जो होम मिनिस्ट्री के आला अधिकारी होते हैं, सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो उनकी एक मीटिंग होती है और उसकी इंफॉर्मेशन उस कंट्री के एम्बेसी को दी जाती है, राइट सर। जैसे कि पाकिस्तान का है तो जो भारत में दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी है, यस सर, फॉरन एमएचए के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन जाएगी और उसकी वेरिफिकेशन कराएंगे कि भाई ये व्यक्ति क्या आपका है, तो जो वहां का एम्बेसी होता है वो फॉरन उसकी वेरिफिकेशन करके एमएचए को रिप्लाई करता है, हाँ जी ये हमारा नागरिक है या हमारा नागरिक नहीं है जी सर। तो वो 24 घंटे के अंदर डिसीजन लेना होता है कि इसको डिपोर्ट करना है, तो वो 24 घंटे के अंदर उसको डिपोर्ट कर देते हैं जी सर। एक बच्चा 2000 करीब, मेरे ख्याल से 11 में, शायद 10 और 11 में, एक बच्चा लाहौर का, शहजाद नाम का जी सर, वो अटारी ट्रेन से वाघा बॉर्डर पे अमृतसर में आ गया था बच्चा जी सर। तो जब मैं 11 में पाकिस्तान लाहौर गया तो उसके पेरेंट मेरे को मिले थे, वो शादरा लाहौर का रहने वाला था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा ये बच्चा गलती से चला गया है, ये आप वापस करा दो। तो वो बच्चा मैंने वापस कराया था क्योंकि वो जुवेनाइल था, उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी, बाकायदा उसका ट्रायल भी चला था, लेकिन उसमें ये ऑर्डर हुए थे कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए, तो वो बच्चा डिपोर्ट हो गया था जी सर वेरिफिकेशन के बाद।